नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी पांडे और आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज क्यों होता है और इसे कैसे हम इसका निदान कर सकते हैं। कई कई बार क्या होता है कि बच्चे को इतना कॉन्स्टिपेशन होता है, बच्चा स्कूल जाता है और दो तीन दिन चार दिन सुबह सुबह जल्दी की हड़बड़ी है, माँ भी काम पे जा रही है, बाप भी काम पे जा रहा है, किसी को ये फुर्सत ही नहीं है कि देखे कि बच्चे ने पॉटी करी कि नहीं करी। तो उससे ये दिक्कत आती है कि बच्चे स्कूल तो चला गया, तीन दिन चार दिन हो गए, अब क्या होता है कि नीचे जो पॉटी का एरिया होता है उसके पास जो पॉटी पड़ी होती है वो बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती है, लेकिन ऊपर जो पानी वाली पॉटी है वो उसके अगल बगल से निकल करके आकर के पैंट या उसकी जो यूनिफॉर्म है उसको गीला कर देती है। तो पेरेंट्स अक्सर हमारे पास आते हैं ये कह करके जी कि इसने आज तक कभी कपड़ों में पॉटी नहीं करी लेकिन अब बच्चे ने सॉइलिंग शुरू कर दी है। स्पेशली स्कूल में जब ये जाता है तो ये डरा डरा रहता है, ये स्कूल नहीं जाना चाहता और ये सॉइलिंग करता है। बच्चा 10 साल का हो गया, ये सॉइलिंग करता है। बट आप ये मत समझिए कि ये सॉइलिंग इसलिए हो रही है कि उससे पॉटी कंट्रोल नहीं हो रही। आप अगर उसकी मामले की तह में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वो सॉइलिंग कॉन्स्टिपेशन के कारण हो रही है। बच्चे ने चार दिन से पॉटी ही नहीं करी है, अब उसके पेट में जगह ही नहीं है पॉटी रुकने की, तो अगल बगल से वो जो है पॉटी उसकी निकली चली जा रही है और बच्चे का अब कोई कंट्रोल नहीं बचा। तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो आप कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो आप डेली बच्चे का एक नियम बनाइए, सुबह और शाम उसको 10-10, 15-15 मिनट के लिए पॉट पे बिठा करके आप उसको वेट करिए कि हाँ भाई अब पॉटी होगी, और उसको एक नियमतः एक रेगुलर बाउल मूवमेंट के लिए फोर्स करिए कि हाँ भाई इस टाइम पे आपको पॉट पे बैठना ही बैठना है। लिक्विड्स आप बच्चे को खूब पिलाइए, दिन भर खाली पानी ही नहीं पीना है, नारियल पानी है, जलजीरा है, तरह तरह के ड्रिंक्स घर में बनते हैं, टैंग वगैरह बनता है, शरबत बनते हैं, दूध वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, मट्ठा लस्सी, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को पिलाएं। दिन भर आप उसके सामने कोई ना कोई ड्रिंक रखें और वो ड्रिंक थोड़ा हेल्दी ड्रिंक हो, ऐसा ना हो कि वो फ्रूटी वगैरह इस तरह की चीज़ें पी करके अपनी सेहत बिगाड़ रहा है और जंक फूड की तरफ वो जा रहा है। तो आपने खाने और पीने दोनों का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं बच्चे को फिशर तो नहीं डेवलप हो रहा, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो बच्चा सॉइलिंग ऑफ क्लोथ्स कर रहा है, जिसके कपड़े पॉटी से गंदे हो रहे हैं, कहीं उसको उसके विपरीत कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। इसके अलावा बहुत कॉमनली कॉन्स्टिपेशन का एक साइन होता है बिस्तर में पेशाब करना। बहुत सारे बच्चे जो बिस्तर में रात को पेशाब करते हैं, 5 साल की उम्र के हो गए, 6 साल की उम्र के हो गए, 7 साल की उम्र के हो गए, या बच्चे 1-2 साल की उम्र के थे, उसको पॉटी ट्रेंड हो गए थे, पेशाब भी वो कंट्रोल कर लेते थे, अचानक से 2-3 साल वो बिल्कुल ड्राई थे, कभी उन्होंने बेड में सुसु नहीं किया, और अचानक से 5-6 साल की उम्र में आकर के उन्होंने बेड वेटिंग करनी शुरू कर दी। तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा साइन होता है, इसको ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से मिलें और समय रहते आप इन चीज़ों को ठीक करें, अदरवाइज़ बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक गलती जो पेरेंट्स हमेशा करते हैं, हम लोग पॉटी को एक नेचुरल वे में उसके बारे में बात न करके हम एक छुपाने की चीज़ मानते हैं। कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा है, पेरेंट्स जो हैं पॉटी को पॉटी ना बोल करके उसको कहते हैं कि जी छींछी आ रही थी, या बच्चा फ्रेश नहीं हुआ, या वो वॉशरूम नहीं गया। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आप बच्चे के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि पॉटी कोई ऐसी चीज़ है जिसको डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तो आप बच्चे के साथ ओपन रहें, उसका आप बीच बीच में बाउल हैबिट्स के ऊपर ध्यान रखें, थोड़ा सा नज़र रखें और ओपन रहें इन डिस्कशंस को। ये छींछी की चीज़ नहीं है, ये भी शरीर का एक हिस्सा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे शरीर में होते रहनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप पॉटी को कभी भी छींछी से ना जोड़ें, आप बच्चे को एक हेल्दी डिस्कशन की तरफ लेकर के जाएं और बच्चे पे नज़र रखें। कुछ वीडियोज़ मैंने बनाए हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन में बच्चे को क्या खाना दे सकते हैं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं नीचे कमेंट में आपके सवालों का जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मैं फ़ोन पे भी अवेलेबल हूँ, शाम को 5:30 से 7:30 वीडियो कंसल्टेशन के लिए भी अवेलेबल हूँ, और अपने क्लिनिक का भी मैं एड्रेस शेयर कर रही हूँ, अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।